कोरोना से पॉजिटिव आए रणधीर कपूर को कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जिसके बाद हॉस्पिटल के सीईओ और डॉक्टर संतोष शेट्टी ने स्टेटमेंट में कहा था कि रणधीर कपूर को 28 अप्रैल को कोविड-19 का ट्रीटमेंट के लिए कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। उनकी हालत अभी नॉर्मल है। लेटेस्ट अपडेट की माने तो अब रणधीर कपूर को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद 74 साल के रणधीर कपूर ने बातचीत के दौरान दी। आपको बता दें कि रणधीर कपूर दोनों वैक्सीन ले चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हैरान हूँ कि आखिर मैं कोरोना केस कॉन्टेक्ट में कैसे आया। मेरे घर में 5 सदस्यों का स्टाफ भी पूरा पॉजिटिव है। मैंने उन्हें भी अपने साथ कोकिला अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। रणधीर ने यह भी कहा था कि उन्हें किसी भी तरह की बड़ी दिक्कत नहीं है। खबरों की माने तो अब खबर आ रही है कि रणधीर कपूर की दोनों बेटी यानी कि करिश्मा कपूर, करीना कपूर और पत्नी बबीता कपूर ने भी अपना कोविड टेस्ट करवा लिया है, लेकिन इन तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और ये खबर जानने के बाद करिश्मा, करीना और बबीता राहत में है कि चलो हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब वो अपने पिता का ख्याल अच्छे से रख रही है। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।